जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, एक नई एयरलाइन है जिसमें जॉब्स आई हुई हैं, और ये एयरलाइन जो है तो ये शारजा की एयरलाइन है, एयर अरेबिया, उसने और एक पाकिस्तानी कंपनी है लेक्सन ने मिल के एक एयरलाइन बनाई है, फ्लाई जिना, जो कि पिछले दिनों आप लोगों ने न्यूज़ में शायद देखा होगा। तो उसमें जॉब्स आई हुई हैं अभी, वो जॉब में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो जॉब्स की अप्लाई कैसे करेंगे कि जो शारजा एयर अरेबिया है उसकी वेबसाइट पे जाके कैरियर में आप जाएंगे तो वहाँ पे उसकी सारी जॉब्स हैं जो कि फ्लाई जिना एयरलाइन की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और उसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, डिफरेंट काफ़ी सारी उसमें वैकेंसीज़ हैं जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कस्टमर सर्विस की जॉब्स हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा केबिन क्रू की जॉब है, केबिन क्रू अटेंडेंट की, केबिन क्रू सुपरवाइज़र की जॉब्स हैं, इसके अलावा अकाउंटेंट्स की वहाँ पर जॉब है, सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है, इवन जो फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन्स की है उनकी भी जॉब उन्होंने एडवर्टाइज़ की है। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए जो भी जो पायलट्स का लाइसेंस होता है और सारा क्राइटेरिया, कितने आवर्स फ्लाइंग वगैरह है, वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें, क्योंकि ये नई एयरलाइन अभी ऑपरेशन होने जा रही है, इसकी ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रही हैं, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा मैनेजर्स उनको चाहिए ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, एचआर मैनेजर्स और एचआर में उनको लोग चाहिए, तो वो काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जो ये केबिन क्रू वाली जॉब है या सुपरवाइजर्स की जॉब है या कस्टमर सर्विस की जॉब है, इसके लिए हाई स्कूल या डिप्लोमा चाहिए। हाई स्कूल मतलब कि 12th स्टैंडर्ड या उसके इक्वलेंट कोई सा भी डिप्लोमा हो, और थोड़ा सा भी साल दो साल का एक्सपीरियंस हो कस्टमर केयर में, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी जॉब्स हैं, जो अकाउंटेंट की है या सिक्योरिटी ऑफिसर की है या ऑपरेशन मैनेजर वगैरह की है, ठीक है, तो उसके लिए हर एक जॉब का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है और रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप लोग उनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो लिंक जब आप ओपन करेंगे और वहाँ पर जाएंगे कैरियर्स में तो वहाँ पर आपको सारी ये जॉब्स जो हैं तो ये नज़र आ जाएंगी। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेटर वगैरह की जॉब है उसमें, एचआर की जॉब्स है या डिफरेंट केबिन क्रू सुपरवाइज़र, इसके अलावा फील्ड ऑपरेशंस, ऑपरेशन मैनेजर्स की जॉब है वहाँ पे, काफ़ी डिफरेंट वैकेंसीज हैं डिफरेंट फील्ड्स की, तो काफ़ी जॉब्स हैं, अप्लाई करें। अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। उसमें जो लोकेशन दी हुई है उन्होंने वो है कराची की। ठीक है, लोकेशन जो दी हुई है तो वो कराची की जॉब्स हैं, तो अभी ये श्योर नहीं है कि वो जॉब्स जो हैं तो वो कराची बेस होंगी या यहाँ पे शारजा बेस होंगी। बहरहाल जो लोग पाकिस्तान में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और जो लोग यहाँ यूएई में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि नेशनलिटी में उन्होंने प्रेफर कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है ना, तो काफ़ी नई ये एयरलाइन लॉन्च होने जा रही है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, तो चेक करें इसको, अगर आप लोगों के रिलेटेड है तो ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर अगली बार मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।